बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आप उस मोड में हैं कि ये हो जाएगा आपसे, नहीं तो अदरवाइज ही बहुत मुश्किल हो जाता। अभी आपके लिए आसान होगा। थोड़ा होश में करिएगा, आप सबको कह रहे हैं प्लीज। पहले क्वेश्चन लिख लो ढंग से, उसके बाद आराम से करो। वन बाय वन विल बी डूइंग। फर्स्ट केस एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी पूरी रियल लाइन पे बात करनी है। इन द सेकंड केस एक्स बिलोंग्स टू आर, आपको रियल लाइन के सभी पॉइंट्स पे बताना है कौन से हैं, नहीं है। इन द लास्ट केस जीरो इनफिनिटी। तो बस ये पूछ रहे हैं कि अपने डोमेन पे कौन कौन से फंक्शंस कौन होने चाहिए। बिल्कुल अभी वाला क्वेश्चन समझ लो, करो भाई। बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन, शानदार। पहले एक एक करके करते हैं क्योंकि ये अगेन ब्लिंक ऑफ एन आई में होने वाला नहीं है। भैया आपने आपको प्लीज कन्फाइन टू द ए पार्ट, ऑल ऑफ यू सिर्फ ए पार्ट ही ट्राई कीजिए। सेकेंड एंड थर्ड पार्ट मत ट्राई कीजिए, सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही करिए आप सब लोग। और जो लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा हिंट आपके लिए थोड़ा सा देना तो पड़ेगा। पहला ही करो, सिर्फ पहले पे ध्यान दो। वो दो ये टाइम लेगा, ये टाइम लेगा फर्स्ट पार्ट। हाँ जी जरा ध्यान लगाए आप सभी लोग, और ये बताएं मुझे ऑल ऑफ यू। अरे देखो बाबा, ये ग्राफ है एक्सपोनेंशियल का, ई पावर एक्स का। ई पावर इन्फिनिटी और ई पावर माइनस इन्फिनिटी अलग अलग है ना। ई पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी पे चला जाएगा, बट ई पावर माइनस इन्फिनिटी पे देखेंगे जीरो आएगा। तो यहाँ जरा ई का पावर देखिए, नजर आ रहा है ई का पावर? ई के पावर में क्या है? ऐसा है या नहीं है? अरे बोलो बाबा। Yes, हाँ जी, ये देखना पड़ेगा ना, ये देखना पड़ेगा आपको। अलग अलग आंसर्स आएंगे, अभी ध्यान रखना, कहीं सोचो कि इन्फिनिटी आ जाएगा। डिपेंड्स अपॉन एक्स, एन का तो कुछ नहीं हो सकता, नेचुरल नंबर है, एन गोज टू इन्फिनिटी। बट एक्स तो अपना हिसाब से करिएगा, अब पता लगेगा कैसे होता है क्वेश्चन। करो जरा, यहाँ पे तो वन का कोई रोल ही नहीं है सच कहें तो। जैसे पिछले क्वेश्चन में वन का रोल था, लेस देन वन, ग्रेटर देन वन, इक्वल टू वन, यहाँ वन का कुछ नहीं है। सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही ट्राई कीजिए, टाइम लगाइए खूब, नहीं तो सेकंड थर्ड तो बिल्कुल नहीं होने वाले। मान लो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही आ गया इस बार। ओके ग्रेट, बाकी आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर्स फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्सन।
कोई बात नहीं, अब पहले वाले पे ध्यान लगाइए, अच्छी बात है थर्ड कर दिया तो कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है भाई, देखो अभी इधर, ऑल ऑफ यू प्लीज स्टॉप राइटिंग, इनफ 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 एवरीवन। देखिए मैंने पहले ही आपको समझा दिया कि आपको सेपरेट कैसे करना चाहिए, आंसर जो है वो एक्सपोनेंशियल के ऊपर डिपेंड कर रहा है और एक्सपोनेंशियल के पावर में सिर्फ एन नहीं है एक्स भी है, तो एन का तो कुछ साइन चेंज नहीं होगा बट एक्स का तो हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव, तो कर लेते हैं जैसा आता है ये। प्लीज़ कॉपी करना बंद कीजिए ऑल ऑफ यू, जब एक्स जीरो है तो देख ही लो जीरो तो जीरो हो जाएगा। चलिए हाँ जी, इफ एक्स इज पॉजिटिव, अब है चक्कर, इफ एक्स इज पॉजिटिव एक्स स्क्वायर से, और एक्स से परेशानी नहीं इससे परेशानी है। साथ दीजिए, मान लीजिए ऐसे लिखा होता, ये ऐसी है ना एक्स पॉजिटिव का मतलब तो यही हो गया, तो व्हाट इज लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी ऑफ ई पावर एन, वो तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी। अच्छा अगर ये माइनस थ्री होता तो जीरो, अरे ठीक है ना, समझ रहे हैं ये स्टूडेंट्स। अभी देखिए जरा साथ दीजिए, अभी ऊपर वाले में जब x पॉजिटिव है तो इस तरह के एक्सप्रेशन का आंसर इन्फिनिटी ही आएगा, ये इन्फिनिटी आएगा, ये इन्फिनिटी आएगा, तो डिवाइड कर दो और जरा साथ रहो। ये मैंने बोला ना क्लैरिटी के साथ काम करेंगे तो कभी दुख और तकलीफ नहीं होगी आपको, नहीं भी निकलेगा तो भी गम नहीं है, तो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस जीरो। सबको क्लियर हो गया, इज इट क्लियर? Yes, sir. So, x पॉजिटिव में ही x स्क्वायर आ गया, x जीरो में तो जीरो ही आ रहा था, अब देखें जरा x नेगेटिव में ही आएगा। जी x इज नेगेटिव नेगेटिव ये ऐसे बहुत बढ़िया, इसका तो आंसर जीरो है, अब क्या टेंशन है, n तो चेंज होगा नहीं, तो दिस इज e रेज टू पावर में माइनस n समझ लीजिए, सो दिस विल बी यस लिमिट लगाने के बाद x स्क्वायर इंटू जीरो प्लस एक्स डिवाइडेड बाय जीरो प्लस वन, चेक कर लीजिए, सो दिस टाइम इट इज कितना है आपका एक्स एक्स, सो वो एक्स स्क्वायर है, ये जीरो है और ये एक्स है, मैं नेक्स्ट पेज पे लेके आ रहा हूँ। मुझे ये बताओ कितने लोगों का ये आंसर आया जो सामने निकाल के दिया गया है आपको, प्लीज टेल मी। इसका ग्राफ बना लेते हैं, इस पॉजिटिव पोर्शन में, सॉरी पॉजिटिव पोर्शन में एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनता है, ये एक्स स्क्वायर हो गया पॉजिटिव में, नेगेटिव पोर्शन में वाई इक्वल टू एक्स ऐसे बनेगा, आप ही देख लीजिए, तो कॉन्टिन्यूस है सब जगह, कॉन्टिन्यूस है, जीरो पे ब्रेक हो सकता था बट ब्रेक तो सच में ही नहीं हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट एट जीरो जीरो, राइट हैंड लिमिट एट जीरो जीरो, एफ जीरो भी जीरो ही दिया है, बढ़िया, सो दिस इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। क्लियर हो गया आप लोगों को? कहाँ लिखे यहाँ लिखे, पूरे पे कॉन्टिन्यूस है, ए पार्ट हो गया, बी पार्ट को करो, अब तो करना पड़ेगा ऑल ऑफ यू प्लीज बी पार्ट, ये बहुत अच्छा, अब ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, ए पार्ट इज ओवर, इस तरह का क्वेश्चन आपको करना चाहिए, कुछ रियलाइजेशन फील आएगा। ओके सो दिस वन सेकंड, x पॉजिटिव सो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स बाय ई एन एक्स डिवाइड बाय वन ओवर वन प्लस ई एन एक्स, यही किया आप लोगों ने, सो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस जीरो डिवाइड बाय वन, सो ये अभी भी एक्स स्क्वायर ही है, जब एक्स जीरो है तो जीरो पे ये पोर्शन तो जीरो हो गया, लेकिन तो वन आएगा फिर डिनोमिनेटर में, टू आएगा, वन बाय टू आ रहे हैं, अरे एट जीरो कितना आ रहा है बाबा, वन बाय टू, और जब एक्स ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो में तो फिर
सॉरी जीरो तो लेस देन जीरो, लेस देन जीरो में ये जीरो, ये जीरो तो कॉस एक्स। इसको ग्राफिकली देख लीजिए, आपको समझा तो दिया ही है। पॉजिटिव पोर्शन में एक्स स्क्वायर, नेगेटिव पोर्शन में हाफ, सॉरी जीरो पे हाफ। हाँ ये जीरो पे कहाँ कॉन्टिन्यूस है, जीरो के लेफ्ट में अलग लिमिट, राइट में अलग है, एट जीरो अलग। दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट जीरो। क्लियर हो गया आप लोगों को, दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट जीरो। रेडी फॉर नेक्स्ट, जवाब तो दे दो। यस सर। अभी आखिरी वाले में आइए, ये तो बहुत अच्छा है। साथ आ जाइए। एवरीवन प्लीज स्टॉप राइटिंग, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जो होगा अच्छा ही होगा। पहले वन बाय एन को लॉग का पावर बना देते हैं। आप सभी महानुभाव थोड़ा ध्यान लगाइए इधर, हम सबको पता है लॉग ऑफ ए पावर थ्री को आप लिख सकते हैं, थ्री टाइम्स लॉग ए लिख सकते हैं, तो थ्री लॉग ए की जगह लॉग ए थ्री, तो वन बाय एन लॉग दिस की जगह लॉग ऑफ, तो दिस विल बिकम, बस कल वाली क्लास याद आ जाएगी आपको। एन एक्स एन वन में याद रख, ठीक है जी। लास्ट क्लास याद करिए, कुछ याद आ रहा है? लिमिट लॉग, लॉग लिमिट, कैन वी इंटरचेंज, वी कैन इंटरचेंज लिमिट विद फंक्शन या फंक्शन विद लिमिट ओनली इफ द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो कैन वी राइट इट एज लॉग ऑफ लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी, लिख सकते हैं। Yes, कल समझाया भी था। हाँ जी, जो बच्चे शुरू से क्लासेस कर रहे हैं, जैसे कि आप लॉग को भूल जाइए, ये लिमिट, अरे ये तो ये वाला लिमिट है, मैक्सिमम। देखो कौन सी चीज कहाँ आ जाती है पता ही नहीं लगता। When a and b are positive, तो answer to this expression is maximum of a and b. तो right now क्या answer रहेगा? Maximum of e power n, maximum of I'm waiting. अरे a कितना है, b कितना है, a की जगह e ले लो, b की जगह x ले लो, तो it is maximum of x and e, है ना? Is it okay? Yes sir. ध्यान दो आप सभी लोग। ठीक है ना जी, अगर x इसे छोटा है तो दोनों का मैक्सिमम क्या आएगा, ये आएगा, ये आएगा, सो दिस विल बिकम लॉग ऑफ e, और अगर x इसे बड़ा है तो दोनों का मैक्सिमम बताइए, बोलिए x, सो दिस विल बिकम लॉग x। लो रोलो थोड़ा सा, उसी में अगर मैं ये जैसे log ही है, इसी में x की जगह e पुट कर देंगे तो this is continuous भी, ये तो एक ही चीज हो गई। क्या दोनों को कंबाइन करके ये नहीं लिख देना चाहिए? सॉरी भाई, जरा ध्यान से देखिएगा, पूरी जगह तो नहीं लिख सकते, ये ऐसे लिया है, अगर ऐसे ना लेकर के ऐसे ले लेते तो भी कोई नुकसान नहीं था, एक ही चीज है, एक ही बात है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट देख सकते हैं, राइट हैंड लिमिट देख सकते हैं, और फंक्शनल वैल्यू एट ई भी देख सकते हैं। तो यहाँ यू कैन नोटिस, यू शुड नोटिस कि जितना एफ ई प्लस है उतना ही एफ ई माइनस है और उतना ही एफ ई है, और ये तीनों चीजें किसके बराबर आ रही है, लॉग ई। तो कहाँ है डिसकॉन्टिन्यूटी, तो कॉन्टिन्यूस है, दिस इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। क्लियर हो गया आपको, बहुत अच्छा क्लासिक प्रॉब्लम था, दिस इज थर्ड फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, समझेगा? पहले वाला कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट जीरो ओनली, एंड दिस इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर ऑन आर प्लस, बल्कि आर प्लस यूनियन जीरो।